स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश पोएट्री चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है माय मदर एट 66। इसको कंपोज्ड किया है कमला दास जी ने। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा हैं, मैंने एक पहले ही आप लोगों को बता दिया है और ये दूसरा आज हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो मैंने जो पहले बनाया है वो हमारा पार्ट 1 वीडियो था। तो यदि आप लोग पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। तो इसमें हम दूसरे स्टेंजा को सॉल्व करना बताएंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया नहीं देखे हैं तो वो सेंट्रल आइडिया भी देख लीजिए और उसे तैयार कर लीजिए। वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, स्टेंजा दोनों तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आज हम आपको सेकंड स्टेंजा बताएंगे, बस आप लोग 2 स्टेंजा को तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। यदि इस चैप्टर से पूछ लेता है तो आपका कंप्लीट 6 मार्क्स क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि स्टेंजा को किस तरीके से सॉल्व करना है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आप तक पहुंच पाएगी और आप अपनी तैयारी एक्सेलेंट तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है देख लेते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन फ्रॉम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब ये कह रहा है कि रीड स्ट्रक्स, मतलब स्ट्रक्स को यानी कि स्टेंजा को पढ़ने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये जो आपको स्टेंजा दिया गया है इसको पढ़ने के लिए बोल रहा है। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, मतलब आपको 3 क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, यही आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हम आपको सॉल्व करना भी बताएंगे, ठीक है। किस तरीके से लिखना है आपकी बोर्ड एग्जाम में वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको इसका अर्थ निकाल के समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन समझा देते हैं कि पूछ क्या रहा है, उसके बाद हम आपको आंसर भी लिखना बताएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। एंड, एंड मतलब होता है और, ठीक है। लुक्ड मतलब देखा, आउट एट यंग मतलब युवा को, ठीक है। तो युवा को देखा, ट्रीज मतलब पेड़, स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ लगाते, मतलब लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ते हुए युवा पेड़ों को देखा, ठीक है। आगे देखेंगे द मैरी चिल्ड्रन, द मैरी चिल्ड्रन मतलब खुशमिजाज बच्चे। स्पीलिंग आउट मतलब बाहर निकलना, ऑफ देयर होम्स मतलब अपने घरों से। तो खुशमिजाज बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बट, बट मतलब लेकिन होता है। आफ्टर मतलब बाद में। द एयरपोर्ट्स, द एयरपोर्ट्स मतलब कह रहा है कि लेकिन एयरपोर्ट के बाद, ठीक है। मिजाज बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं लेकिन एयरपोर्ट के बाद। आगे देखेंगे क्या कह रहा है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब होता है सुरक्षा, ठीक है। चिक मतलब जांच, तो सिक्योरिटी चिक मतलब सुरक्षा जांच, ठीक है। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब होता है खड़ा है। ए फ्यू यर्ड्स, ए फ्यू यर्ड्स मतलब कुछ गज अवे मतलब दूर, तो कुछ गज की दूरी पर क्या है खड़े हैं, ठीक है। आई लुक्ड मतलब मैंने देखा, अगेन मतलब फिर से, एट हर वेन पल मतलब उस तरफ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैंने उसकी तरफ देखा। आगे देखेंगे एज, एज मतलब जैसे। ए लेट मतलब देर। विंटर्स मून, विंटर्स मून मतलब सर्दियों के चांद के रूप में, ठीक है। एंड फेल्ट, एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और उस पुराने को महसूस किया, क्या महसूस किया, उस पुराने को महसूस किया। फैमिलियर, फैमिलियर मतलब होता है परिचित, ऐसे मतलब दर्द, मतलब उस पुराने दर्द को, परिचित दर्द को क्या किया, महसूस किया। तो इस तरीके से ये इसका अर्थ है। क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, ठीक है। तो यदि आप लोग 3 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो वो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये पर क्वेश्चंस आपका 2-2 नंबर का है, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या कर रहा है। व्हाई डिड द पोएटेस, व्हाई डिड द पोएटेस लुक एट हर मदर अगेन। कवित्री ने अपनी माँ की ओर फिर से क्यों देखा, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि कवित्री ने अपनी माँ की ओर फिर से क्यों देखा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का ही है, ठीक है। व्हाई डिड शी ऑब्जर्व मतलब उसने क्या देखा, कवित्री ने क्या देखा, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है,
Which figure of speech in used in the line looked out at young trees sprinting? मतलब इस लाइन में, ये जो आपको लाइन दिया गया है, इस लाइन में कौन सा अलंकार यूज किया गया है, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन तीसरा पूछ रहा है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन है जो पूछ रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? मतलब इसका आंसर किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो आपको स्टेंजा दिया हुआ है, इसमें से ये जो फर्स्ट वाली लाइन में से है, इसमें से एक दो वर्ड आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है? या फिर इसको बस उठा सकते हैं और यहाँ पर लास्ट में जो है इसको उठा सकते हैं, ठीक है? तो एक दो वर्ड उठा करके लास्ट में इस तरीके से हम लिखेंगे। देखें कैसे लिखना है। इस तरीके से आपको एंड लिख के डैश डैश करके लास्ट वाली लाइन का एक दो वर्ड फेमिलियर ऐसे मतलब इस तरीके से लिख देना है, ठीक है? ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था कि कवित्री ने अपनी माँ की ओर फिर से क्यों देखा, ठीक है? पहला क्वेश्चन यही था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द पोएटेस मतलब कवित्री लुक्ड मतलब देखा एट हर मदर अपनी माता को अगेन मतलब फिर से, ठीक है? कवित्री ने फिर अपनी माँ की ओर देखा बिकॉज मतलब क्योंकि ऑफ हर फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी, ठीक है? एंग्जाइटी मतलब चिंता होता है एंड इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा। तो मतलब उनकी चिंता और सुरक्षा की भावना के कारण, ठीक। कवित्री ने अपनी माँ की ओर फिर से इसलिए देखा क्योंकि उनकी चिंता और सुरक्षा की भावनाओं के कारण, ठीक है? इसीलिए कवित्री ने अपनी माँ की ओर फिर से देखा, ठीक है? तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड सी ऑब्जर्व मतलब उसने क्या देखा, ठीक है? उसने क्या देखा? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑब्जर्व्ड हर मदर्स पेल अनहेल्थी अपीयरेंस मतलब उसने अपनी माँ का पीला अस्वस्थ रूप देखा, ठीक है? उसने कवित्री ने क्या देखा? उसने अपनी माँ का पीला अस्वस्थ रूप देखा, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच फिगर ऑफ स्पीच इन यूज्ड इन द लाइन मतलब इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, कौन सा अलंकार यूज किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा द फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है मानवीयकरण अलंकार, ठीक है? इन यूज इन द गिवन लाइन मतलब उस लाइन में पर्सोनिफिकेशन अलंकार का यूज किया गया है, यानी कि मानवीकरण अलंकार का यूज किया गया है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर लिखना था, ठीक है? इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? बोर्ड एग्जाम में अपनी राइटिंग पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने पर्सोनिफिकेशन ग्रीन पेन से डाला है, आप लोग ब्लैक पेन से डालिएगा, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था। स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग इस चैप्टर के पार्ट वन वीडियो को नहीं देखे हैं, तो पार्ट वन वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जा करके देख सकते हैं। इस चैप्टर में आपको दो स्टेंजा को बताया गया है, तो यदि आप लोग दो स्टेंजा को तैयार कर लेते हैं तो आपके 6 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आप लोग पार्ट वन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी देख करके अपने 6 मार्क्स क्लियर कीजिए, ठीक है? तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।